गाइस नमस्ते, दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे योगासन जो आपकी स्किन को बहुत ही यंगर लुकिंग बनाएंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सैग हो गई है उसको ये फॉर्म करेंगे, अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है या इस नेकलाइन एरिया में आपके रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ढहती सी जा रही है ना, बुढ़ापा आपके बहुत ज़्यादा दिख रहा है फेस पे, तो ये कवर अप करेगा। इसके साथ साथ ही आपके नेचुरली इस चिक बोन को हाईलाइट करेगा, मतलब आपका फेस लिफ्ट हो जाएगा, जिसके लिए हम बहुत तरह की सर्जरी करवाते हैं, हम कंटोरिंग करते हैं जिसके हमारा चिक हमारा हाईलाइटेड लगे, अपलिफ्ट लगे, है ना, उससे हमारे फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो योगासन एक ऐसी क्रिया है अगर हम उनको रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारे फेस की नेचुरली खूबसूरती वैसे ही बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बहुत आसान है ये योगासन जिनको हमें रोज़ाना करना है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब आपके पास समय होता है, सुबह हो दोपहर रात कभी भी, जब भी आप फ्री होते हैं तभी आप इन योग क्रियाओं को कर अपने फेस की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। कोई भी फेस योगा से पहले मैं आपको हर वीडियो में यही चीज़ बताती हूँ कि आपको अपने डेली रूटीन में सिर्फ दो चीज़ें फॉलो करनी है। वो चीज़ें क्या हैं, अगर विंटर्स चल रहे हैं तो क्या होनी चाहिए और समर्स चल रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, वो ध्यान से जान लीजिए, जिसकी वजह से आपके फेस पे नेचुरली बहुत ज़्यादा ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी एजिंग डिले हो जाएगी, आपका चेहरा एकदम फूल की तरह खिल जाएगा। तो चलिए आपको सबसे पहले टिप नंबर 1 है कि आपको डेली रूटीन में पानी बहुत ज़्यादा पीना है। हर आधे घंटे बाद आपको एक ग्लास या आधा ग्लास पानी ज़रूर पिएं। अगर आप ऐसे अपने पानी के रेशो गर्मी और सर्दी में कवर करके रखेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, सूखेगी नहीं, रिंकल्स नहीं आएंगे और आपके चेहरे पर ग्लो बना रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर समर्स चल रहे हैं तो आपने फ्रूट का जूस निकाल के घर पे ज़रूर पीना है। अगर जूस नहीं निकाल पा रहे हैं तो डेली के कम से कम 2 फ्रूट अपनी डाइट में इनटेक करें। वहीं अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो उस टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अवेलेबल होती हैं, तो आपने ग्रीन वेजिटेबल का जूस निकाल के ज़रूर पीना है, जिसमें कि आप गाजर, चुकंदर, आंवला, पालक, इन सब चीज़ों को आराम से ग्राइंडर में डालकर उसका जूस निकाल के डेली का एक ग्लास जूस पिएं, तो देखिए आपकी स्किन का टेक्सचर कितना सुंदर हो जाएगा, ना ही पिगमेंटेशन रहेगी, ना ही आपके टैनिंग रहेगी और रिंकल्स, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे। तो चलिए अपना करते हैं पहला योगासन। पहले योगासन के लिए सुबह उठते ही बेड पर या जब भी आपको टाइम मिले तब इस योगासन को फॉलो करें। इसके लिए आप अपनी हथेलियों को रब करेंगे, देन अपने पूरे फेस पे उससे हीट देंगे। ऐसा आपको 3 से 4 दफ़ा करना है। कोई भी योगासन 3 बार से कम आपको नहीं करना है। रिलैक्स अगेन, हम इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मैं आपको 2 बार करके दिखा रही हूँ लेकिन आपको 3 दफ़ा से कम नहीं करना है। रिलैक्स, ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले योगासन की तरफ। नेक्स्ट योगासन करने से आपकी मसल्स पूरी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अच्छे से स्ट्रेच होंगी, जिससे कि आपके पूरे फेस में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके फेस पे नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो आएगा, आपके फेस का शेप बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे डबल इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर आपकी यहाँ की स्किन सैग हो रही है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही हैं गले एरिया में, जो वुमेन्स और गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है मेंस के अकॉर्डिंग, तो वो भी इससे डिले हो जाएंगी। कैसे करना है, आपने अपने नेक को ऊपर करना है इतना, देन स्ट्रेच, माउथ को ओपन करना है, स्ट्रेच, जिससे आपकी पूरी मसल स्ट्रेच होंगी, फेस की भी इनफैक्ट और आपके नेक एरिया की भी। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और इसको मिनिमम 3 टाइम्स, हर योग आसन को माइंड में बिठा लीजिए, कोई भी फेस योगा है इसको 3 टाइम्स मिनिमम करना है, मैक्सिमम उसको आप जितना मर्जी कर सकते हैं। रिलैक्स, मैं आपको सेकेंड टाइम करके दिखाती हूँ।
रिलैक्स। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले योगासन की तरफ। अगले योगासन में आपने अपनी चिन को अपनी चेस्ट से ऐसे अटैच करना है, नेक को पूरा आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपने स्माइल करना है, आपको पूरा इस एरिया में आपको स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। और ये सारे योगासन आपके फेस पर एकदम रेडिएंट ग्लो लेकर आएंगे, आपकी स्किन इतनी ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस हो जाएगी। तो चलिए परफॉर्म करते हैं इस योगासन को। स्माइल, जिन आपका बिल्कुल टक रहेगा यहाँ से, और आपने स्माइल करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार और आपको मैं करके दिखाती हूँ। रिलैक्स, यहाँ पर आपका ये योगासन कंप्लीट होता है। अगले योगासन के लिए आपको अपने चिन को अप करना है, ठीक है, अपनी सीलिंग की तरफ देखना है और अपने मुंह को पूरा खोलना है, प्रॉपर स्ट्रेच करना है, ठीक है। और 10 सेकंड के लिए उस स्ट्रेचिंग को होल्ड करना है, देन रिलैक्स हो जाना है, वही 3 दफा आपको इसको करना है, ठीक है। कैसे? ऐसा आपको ऊपर की तरफ देख के करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। और करके दिखाती हूँ। रिलैक्स। तो यहाँ पर हमारे सारे योगासन कंप्लीट होते हैं। तो आपको बस अपने रोजाना की जिंदगी में इसको शामिल करना है और अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ते हुए आप खुद देख पाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये योगासन है जो बहुत ही शांत वातावरण में आपको करने चाहिए। एक्सरसाइज को हम क्या करते हैं, बहुत लाउड उसमें करते हैं, बहुत हलचल वाले एटमॉस्फेयर में करते हैं। लेकिन जो योगासन होते हैं वो हमेशा शांत वातावरण में, अपने गैजेट्स को अपने से बहुत दूर रखना है, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा जब भी आपको योगासन करेंगे, ठीक है। तो इनको फॉलो करें लगातार 1 महीना। ऐसा नहीं कि आज के और कल से आपके फेस पे ग्लो दिख गया, बट हाँ, विद इन अ वीक आपको आपके फेस के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। और 1 महीने में तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे जो आपको खुद से मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट टाइम और इन आसन को फॉलो करने के लिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।